महामारी पर भारी अंधविश्वास। कैसे रंग लाएंगे बीमारी के रोकथाम के प्रयास। कहीं पूजा, कहीं गोबर स्नान, कोरोना का पूजा कर रहे हैं हाँ? कोरोना तो क्या पूजा करने से कोरोना नहीं होगा? नहीं होगा। विधायक दे रहे गौमूत्र ज्ञान। कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गौमूत्र या गोधन अर्क होगा। अंधविश्वास के संक्रमण का इलाज क्या? तो आखिरकार कैसे रंग लाएगी बीमारी के रोकथाम की तमाम कोशिशें। कहीं पूजा की जा रही है, कहीं पर गोबर से स्नान किया जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तबाही से लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग जूझ रहे हैं, कहीं बेड नहीं मिल रहे, और इन सब के बीच उठ रहा है एक सवाल, आखिरकार कोरोना से आजादी कैसे मिलेगी। लेकिन इस दौर में जो तस्वीर आ रही हैं, उन तस्वीर को देखकर फिक्र की लकीरें और लंबी हो गई हैं। रिपोर्ट जरा देखिए। जब पूरी दुनिया कोरोना संकट से घिरी है, हर देश, हर महानगर, गांव तक फैला कोरोना वायरस का डर लोगों को दहशत से भर रहा है। कितने ही शहर, कितने ही जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ते मरीजों का दबाव झेल रही है। न जाने कितने ही लोग कोरोना काल में काल के गाल में समा गए। कितने परिवारों से कोरोना संक्रमण ने उनके अपनों को छीन लिया। ये उसी दौर की तस्वीर है जो अंधविश्वास से भरी है। जिसमें कोरोना को भगाने का टोटका है। गुजरात के अहमदाबाद से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, समझ में आएगा कि लोगों में कोरोना का भय कितना गहरा है और हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें भी। बाल्टी में गाय का गोबर है और गौमूत्र, जिससे ये लोग स्नान कर रहे हैं, और तर्क ये कि इससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी। जबकि कोई भी डॉक्टर या फिर मेडिकल साइंस का कोई भी पन्ना इस बात का सबूत नहीं देता। गाय के गोबर से या फिर गौमूत्र से कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलती है, या फिर कोरोना संक्रमण का इलाज गाय के गोबर में छिपा है। गाय के गोबर से संक्रमण के इलाज को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है बताएंगे। पहले सुनिए इस अजीबोगरीब इलाज के लिए पहुंच रहे लोगों का क्या मानना है। तर्क सीधा सा है, गोबर स्नान से कोई भी वायरस हो खत्म हो जाता है। गौमूत्र पान अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अपने शरीर में रहे हुए वायरस को बाहर निकालने का काम करता है। गौमूत्र में इतनी ताकत है कि गौमूत्र पान के बाद जो भी वायरस शरीर में है, वो वायरस कोरोना अगर तो कोई भी दूसरे वायरस, वो वायरस को गौमूत्र शरीर में से डिटॉक्स करता है। बता दें कि पहले एक महीने से 15 दिनों का एक ग्रुप हर रविवार को गोबर स्नान के लिए श्री स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम की गौशाला आता है, जहां वो गौमूत्र और गोबर का लेप लगवाते हैं, जिसे बाद में गाय के दूध से धोया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे, गोबर स्नान के लिए पहुँचने वाले लोगों में इंजीनियर, कर्मचारी, दवाई की दुकानों पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। गोबर और गौमूत्र के स्नान पर डॉक्टर्स साफ चेतावनी देते हैं कि ऐसा करने से कोरोना संक्रमण से मुक्ति तो नहीं मिलेगी, हाँ म्यूकोर माइकोसिस समेत दूसरे संक्रमण जरूर हो सकते हैं।
डॉक्टर रजनीश पटेल की माने तो किसी भी शोध में ये साबित नहीं हुआ कि गोबर शरीर पर लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हो। एलोपैथी में गाय का गोबर और गाय का मूत्र कहीं भी लगाने से क्या होता है उसकी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। खाली म्यूकोरमाइकोसिस या खाली फंगस क्यों, गाय के गोबर में आपको देखेंगे तो टिटनस का भी थोड़ा कीटाणु रहते हैं, तो अगर आपको थोड़ी सी भी खरोंच आई हो उस पर गोबर लगाया जाए तो टिटनस होने की भी गुंजाइश रहती है, यानी इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। साफ है गुजरात या फिर देश के दूसरे हिस्सों में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे कहीं ज्यादा तेजी से लोगों में डर बढ़ रहा है। नतीजा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग भी कोई भी उपाय अपनाने को तैयार हैं। साथ ही तस्वीरों से ये भी साफ है कि लोगों में जागरूकता की कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये सिर्फ एक शहर या फिर एक रियासत की तस्वीर नहीं है। पिछले साल कई मकामात से कोरोना माई की पूजा की तस्वीर सामने आई थी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई, एक बार फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगी। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कोरोना का पूजा कर रहे हैं, ये आदमी एक लोटा पानी जल पिला रहा है। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग जिलों की हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे परिजन पूजा पाठ के नाम पर मरीज की जान खतरे में डाल रहे हैं। परिजन पूजा पाठ के लिए मरीज का ऑक्सीजन मास्क तक निकाल देते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोविड वार्ड में दो महिलाएं अपने मरीज का ऑक्सीजन मास्क निकाल देती हैं, पूजा पाठ करती हैं और धार्मिक जयकारे लगाकर मरीज को ठीक करने का दावा करती हैं। इस दौरान इन महिलाओं को इस बात की जरा भी चिंता नहीं रहती कि इन्हें भी कोरोना हो सकता है और यहां से बाहर निकलने पर ये दूसरे लोगों में भी संक्रमण फैला सकती हैं। जानकारी के मुताबिक महिलाओं के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही मरीज की मौत हो गई। वीडियो 22 अप्रैल का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं रात के वक्त वार्ड में घुस गई थी। अब देवरिया की तस्वीर देखिए। खेत में पांच महिलाएं खड़ी हैं, हाथ में कलश है। आप जानकर हैरान होंगे, ये महिलाएं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूजा कर रही हैं। तर्क है पूजा पाठ से कोरोना का प्रकोप कम होगा। कोरोना का पूजा कर रहे हैं। कोरोना, तो क्या पूजा करने से कोरोना नहीं होगा? नहीं। क्या पूजा, किस तरह पूजा करते हैं आप लोग? सत। पूजा करने खातिर ऐसे आदमी रक्षा करता है, जो कोरोना चल जाएगा आदमी का घर के घर नाश हो जाता है, यही लिए आदमी पूजा करता छाक देता ओकर बाद आज अंतिम दिन है कर चढ़ा के अपन मृत्यु खत्म कर देता है। डर के लिए जो परिवार बढ़िया रहो अच्छा रहो, ये लिए आदमी एक लोटा पानी जल पिला रहा है। आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? सब लोग मास्क लगा रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, बाकी में मास्क नहीं लगाते, पूजा में मास्क नहीं लगाते। नहीं, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या पूजा पाठ से वाकई कोरोना का प्रकोप कम होगा? आखिर कुछ लोग क्यों इलाज से ज्यादा पूजा पाठ को तरजीह दे रहे हैं? सवाल कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कोरोना से बचाव के लिए सरकार, पीएम वज्रयाला सभी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करने की अपील कर रहे हैं। अलामत दिखने पर फौरन जांच कराने और डॉक्टर से सलाह लेने की हिदायत भी दे रहे हैं, लेकिन कई लीडरान और एमएलए हैं कि मानते नहीं। कोई गौमूत्र से कोरोना को भगाने की बात कह रहा है, कोई माहौलियात की शफाफियत के लिए, उसकी शुद्धि के लिए यज्ञ में कोरोना का इलाज ढूंढ रहा है। दो आउटी डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा है, स्वास्थ्य सेवाएं जवाब दे रही हैं, कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय खोजे जा रहे हैं, सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगा रही हैं, कई नेता विधायक ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो समाज को जागरूक करने का तो नहीं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यूं तो कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने, समाज को जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री का कुछ और ही मानना है। उनके मुताबिक देश को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है तो पर्यावरण को शुद्ध करने की जरूरत है। ऊपर से दिलचस्प बात ये कि मंत्री जी ने जब ये बयान दिया, उनके मुखमंडल से मास्क नीचे सरका हुआ था। सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें, तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। अब बलिया की बैरिया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह का गोबर ज्ञान सुनिए। वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक कर दी ताकि कोरोना की रोकथाम हो सके, लेकिन विधायक को कोरोना का इलाज ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कैमरा सामने आया नहीं, विधायक जी कोरोना का इलाज बताने लगे। कहा रोज सुबह 5 ढक्कन गौमूत्र ठंडे पानी में मिलाकर पीजिए, कोरोना नहीं होगा। कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गौमूत्र या गोधन अर्क होगा। आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है, और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये। विधायक जी का दावा सिर्फ इतना नहीं है, आगे सुनिए। सुरेंद्र सिंह को यकीन है कोरोना से मुक्ति का रास्ता उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र यानी कि बैरिया से निकलेगा। आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए, हो सकता है कि उस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के तरफ से ही जाएगा। ये बयान, ये तस्वीरें तब दिख रही हैं जब कोरोना संक्रमण से जनता त्रस्त है, जब जरूरत है ये बयानों से ऊपर उठकर ये सोचने की आखिर जरूरतमंदों को इलाज कैसे मुहैया हो और कोरोना संक्रमण को रोकने की रणनीति क्या होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।